उर्दू लॉजिक में आपको वेलकम कहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वक्त रुक जाए तो क्या होगा? आइए आपको बताते हैं, मगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, वक्त के रोके जाने का तसव्वुर दरअसल एक ऐसा ख्याल है जिसका हकीकत में कभी मुशाहिदा या तजर्बा किया ही नहीं गया, लेकिन अगर कभी ऐसा हो ही गया तो क्या होगा? चलें साइंसी तौर पर इसका जायजा लेते हैं। अगर वक्त को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया तो वक्त के साथ साथ कायनात की हर एक चीज भी रुक जाएगी, जिसका आसान जुबान में मतलब ये है कि कायनात में पाया जाने वाला हर एक ऑब्जेक्ट या जिस्म या उसकी मूवमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, केमिकल रिएक्शंस, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और सुपर क्लस्टर्स सब फना हो जाएंगे। तमाम जानदार यानी इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, बैक्टीरिया और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब खत्म हो जाएंगे। अगर वक्त को रोक दिया गया तो ये भी वाज़े नहीं कि लॉज ऑफ फिजिक्स का क्या होगा। इनमें से बहुत से कवानीन वक्त के तसव्वुर और इसके प्रोग्रेशन पर मबनी है, लिहाजा वक्त को रोकना मुमकिन तौर पर उन तमाम कवानीन के टूटने या गैर मुतलिका होने का सबब बन सकता है। इससे कायनात के निजाम के लिए अनप्रिडिक्टेबल और मुमकिन तौर पर तबाह कुन नताइज सामने आ सकते हैं। नाजरीन, यहाँ ये जरूर जहन में रखिए कि वक्त के रोके जाने का तसव्वुर खालिस्तन फर्जी है, जो कायनात के बारे में हमारी मौजूदा समझ के बिल्कुल खिलाफ है। ये बिल्कुल वाज़े ही नहीं है कि आया ऐसा वाक्या क्या कभी हो भी सकता है कि नहीं, लिहाजा इस बहस को खालिस्तन कयास आराई के तौर पर ही देखना चाहिए और तमाम इंसानों को अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जाते जाते हमारी पजीराई के तौर पर उर्दू लॉजिक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।